नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का आज औपचारिक ऐलान अब से कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। माना जा रहा है कि इस दौरान निर्वाचन आयोग 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और पिछला चुनाव फरवरी मार्च 2017 में हुआ था और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और पार्टी उन्हीं के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये उनके लिए अग्नि परीक्षा है। बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर 2022 के यूपी चुनाव को लेकर मैदान में उतरी हुई है। सूबे में बीजेपी की सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सूबे में जाति आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए उतरे हुए हैं। सपा ने यूपी में आरएलडी, सुभाषपा, प्रसपा, जनवादी पार्टी, महान दल सहित करीब 1 दर्जन छोटे दलों के साथ गठबंधन किया हुआ है। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधायक धीरज ओझा के प्रयास से रानीगंज को एक बड़ी सौगात मिली है। रानीगंज विधानसभा वासियों को नए साल पर 200 करोड़ की सौगात मिली है, जिसको लेकर विधायक धीरज ओझा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया है। कल से ही सौगात मिल रही है रानीगंज विधानसभा के लिए। कल भी हम लोगों को 34 सड़क मिली। कल विशेष मरम्मत टाइल्स और इंटरलॉकिंग की सड़क मिली थी। आज नवनिर्माण की पूर्वांचल की जितनी सड़क हमने भेजा था सब कुछ हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अपने डिप्टी सीएम जी को बधाई देता हूँ कि इतनी सड़क हमको दिया है और रानीगंज का जो चौमुखी विकास, जो विकास पुरुष की संज्ञा दिया जाता है, वो आज हो गया। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर झगड़ा, पथराव और फायरिंग भी हुई। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो मौके पर जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और ऐसे में आपको बता दें स्थिति को पुलिस से संभाला और मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं आगरा के किस तरह से दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, झड़प हुई। हालांकि वहां पर मौजूद किसी ने पूरा वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मथुरा के विकासखंड क्षेत्र में एक किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आला अधिकारी तक घटना की सूचना पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने किसान के परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा की और पुलिस की तरफ से ग्रामीणों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में शू एक्सपोर्टर के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग की टीमों की कार्रवाई जारी रही। आयकर विभाग की टीमों ने 2 शू एक्सपोर्टर के यहां पर कार्रवाई कर लौट गई थी, जबकि 2 शू एक्सपोर्ट के यहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की टीम गुरुग्राम से अखिलेश यादव के करीबी मुनु अल्ग को उनके लाजपत कुंज स्थित आवास लेकर पहुंची। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक शू एक्सपोर्ट्स ने अब तक 29 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं और सरेंडर की गई रकम अभी और बढ़ेगी। विभाग को 4 शू एक्सपोर्टर्स के यहां से रियल
एक्टेट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। मन्नू अलग के यहां से आईटी की टीम रवाना हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीमें दिल्ली से आगरा पहुंची थीं और आयकर विभाग की टीमों ने आगरा में ओम एक्सपोर्ट, अहूजा इंटरनेशनल, नोवा शूज और तारा इनोवेशन समेत 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद आयकर विभाग की टीमें शू एक्सपोर्टर रूबी सहगल के विभक नगर आवास भी पहुंची थी। तभी से जिले में 4 शू एक्सपोर्टरों के आवास, कार्यालय और फैक्ट्रियों समेत 12 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने शुक्रवार को मुख्यालय से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बुंदेलखंड विकास निधि से 4,56,00,000 की लागत से स्वीकृत 21 सड़कों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुंदेलखंड के सभी विकास को संकल्पित है और उन्होंने बताया कि चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत अब तक 250 नई सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। साथ ही 150 पुरानी सड़कों का मरम्मत कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा शासन से स्वीकृत 21 नई सड़कों का शिलान्यास किया गया है। सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इटावा नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने इटावा और बिस्कोहर नगर पंचायत में करोड़ों की सड़क, तालाब, अंत्योष्टि स्थल सहित कई अन्य योजनाओं की सौगात चुनाव से ठीक पहले क्षेत्रीय जनता को दी। इस अवसर पर मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनका सपना पूरा हो रहा है। उनके प्रयासों से उनकी सरकार में इटावा और बिस्कोहर को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। आज विधानसभा क्षेत्र इटावा के विधायक के रूप में मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दिन है। विधानसभा क्षेत्र इटावा के लिए इटावा और बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना ये आज़ादी के बाद का ही एक सपना था। 1975 से बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना का आंदोलन चल रहा था। इटावा की भी बरसों से प्रतीक्षा थी। 1988 में जब इटावा तहसील बना तब तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले एक दो वर्षों में नगर पंचायत बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि पूर्वांचल में ही नहीं इस जनपद में भी इटावा और बिस्कोहर से छोटे छोटे कस्बे नगर पंचायत बन चुके थे। सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां पर डालमिया चीनी मिल के लिए जा रहे गन्ने से लदे ट्रक के नीचे अचानक संविदा कर्मी आ गया, जिसके चलते संविदा कर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मालिक आएगा, मिल वाला मालिक आएगा जब मिट्टी उठेगी, और ना बाईपास बाहर से नहीं निकला, रामपुर से कोई गाड़ी कल से नहीं निकलेंगी, आज से आज आ गई तो उन्हीं तो चली जाएंगी जब मिट्टी उठ जाएगी, वरना जो नहीं फालतू गाड़ी निकलेंगी जाम के बाहर से कोई गाड़ी नहीं निकलेंगी जब तक बाईपास नहीं बन जाएगा। मेरा भाई है, खाली आंसू नहीं आ रहे हैं, ज्यादा दुख में आंसू नहीं है। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सपा की तरफ से समाजवादी संदेश साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों को सपा की नीतियों से अवगत कराया गया और सरकार पर जमकर हमला बोला गया। भोजपुर प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ताओं ने व्यापक जनसंपर्क कर चुनावी माहौल बनाया और क्षेत्र के काली नदी पुल पर जिले की सीमा से मोहम्मदाबाद तक साइकिल और बाइक यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुबोध यादव ने किया। आज समाजवादी पार्टी की साइकिल व मोटरसाइकिल रैली का आगाज हुआ था
और ये काली नदी के पुल बेवर पुल से स्टार्ट होकर मोहम्मदाबाद रोहिला चौराहे तक आई थी। अच्छा, आपकी सरकार बनती है जिस दिन, जनता के लिए क्या आप करोगे? देखिए, सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये जनता जानती है। आगरा के सया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में दो बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी के साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने 8 को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 80 किलो गांजा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।